हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। आज बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वो डिस्कस करने वाले हैं कॉलम एनालॉगी मेथड जो हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले कुछ लेक्चर्स हमने किए हैं जिसमें इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, फिर केस नंबर वन जब कंसंट्रेटेड लोड सेंटर पैक करेगा तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा, फिर हमने इसेंट्रिक कंडीशन भी हम लोगों ने सीखी। इसी तरीके से अगर उसमें आपको यूडीएल के लिए भी निकालना है तो आप यूडीएल के लिए भी निकाल सकते हैं, और आप कपल के लिए निकालना है तो कपल के लिए भी निकाल सकते हैं। तो तरीका आपका वही होगा जो मैंने आपको केस नंबर फर्स्ट में बताया या केस नंबर टू में बताया, तो वही सेम तरीके से आप लोग अदर जो भी लोडिंग है आपकी और उसका फिक्स्ड मूवमेंट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उसका यूज करके बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। यूडीएल में आप क्या करेंगे, उसमें आपका पैराबोला बन जाएगा, तो पैराबोला का जो एरिया होता है 2/3 बेस इनटू हाइट होता है, उससे आप निकाल लीजिएगा उसको, राइट। बाकी और कोई चेंजेस नहीं होता, बाकी वे जो होगा उसका बिल्कुल सिंपल होगा, राइट। अब मैं जो आपको नया इसमें बताने वाला हूँ, अभी तक मैं आपको फिक्स्ड एंड मूवमेंट के फॉर्मूले बता रहा था, मैंने ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट के फॉर्मूले निकालना सिखाए कंसंट्रेटेड लोड के लिए, चाहे वो सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक हो। अब जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उससे बेस्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि अगर मैंने कोई एक लोडिंग दे दी है, मेरे पास यहाँ पे एक फिक्स्ड बीम दिया हुआ है और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक 64 किलो न्यूटन का कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है जो कि यहाँ से ए पॉइंट से 2 मीटर पे और बी पॉइंट से जो है वो 6 मीटर पे एक्ट कर रहा है, और इसी के पैरेलल ही साथ में एक कपल भी एक्ट कर रहा है जो कि स्पान के सेंटर पे एक्ट कर रहा है 20 किलो न्यूटन मीटर का, एक मूवमेंट एक्ट कर रहा है जो कि सेंटर पे है, 4 मीटर यहाँ ए से भी है 4 मीटर बी से भी है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मेरे को बताइए कि इसके फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट पॉइंट ए क्या होगा और एट पॉइंट बी क्या होगा। अभी भी मैं आपको फिक्स्ड एंड मूवमेंट ही पूछ रहा हूँ, इसके फिक्स्ड एंड मूवमेंट पूछ रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको वैल्यूज इसके ऊपर दी है उसके बेसिस पे पूछ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे इसको यूज करके कैसे इसका फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाल सकते हैं, वैल्यूज के लिए कैसे निकाल सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, जब इसको स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो मूवमेंट एट पॉइंट ए मींस एम ए एंड बी मींस एम बी होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिडंडेंट मान लेते हैं, और उसको रिडंडेंट मान के वहां से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो जब हम उसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचता है वो क्या बचता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर बचता है जिसको कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब आपका फिक्स्ड सपोर्ट हिंज सपोर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज फिक्स्ड पे मूवमेंट आता है, आपने मूवमेंट को हटा दिया तो फिर कौन सा सपोर्ट बचा, हिंज बचा ना या सिंपली बचे, तो आपने यहाँ पे हिंज सपोर्ट के फॉर्म में बनाया उस स्ट्रक्चर को, एक सिंपल स्ट्रक्चर बना लिया। अब उसके बाद क्या किया, आपकी जो लोडिंग लग रही है वो वैसी ही लगेगी जैसे कि यहाँ पे आपको एक 64 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, दूसरा आपका 20 का लग रहा है, तो यहां पे आपने लगा दिया 64 किलो न्यूटन। उसके बाद आपका ये कपल लग रहा है जो कि सेंटर में है, वो 20 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट के फॉर्म में लग रहा है, यहां से ये 2 मीटर है, यहां से ये 2 मीटर है और यहां से ये 4 मीटर है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। सिंपल स्ट्रक्चर बना लिया, सबसे पहले आपने एम ए और एम बी को रिडंडेंट माना और उनको वहां से क्या किया, रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद जो सिंपल स्ट्रक्चर बचा, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल स्ट्रक्चर बचता है उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, उसका एमएस डायग्राम बनाते हैं। बट अभी तक क्या हो रहा था, एक सिंगल लोडिंग के लिए मैंने आपको केस नंबर फर्स्ट बताया, सिंगल लोडिंग के लिए मैंने आपको केस नंबर टू बताया, बट यहाँ पे तो अब डबल लोडिंग लगी हुई है, तो आपको क्या करना है, 1/1 करके एमएस डायग्राम बनाना है। सबसे पहले जैसे सेंटर पे कपल लगा है, अपन कपल का एमएस डायग्राम बनाते हैं। तो एमएस डायग्राम अपन सबसे पहले किसका बना रहे हैं, कपल के लिए। तो कपल के लिए अगर मैं बनाता हूं तो किस तरीके से बनेगा, तो आपने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ली, ये रेफरेंस लाइन हो गई, यहां पे कपल लग रहा है आपके सेंटर पे, ये सेंटर पे हो गया, ठीक। सेंटर पे अपना क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कपल लगता है तो डबल ट्रायंगल बनते हैं, जब मैं आपको मैंने बीएमटी बनाना सिखाया, टीएमटी में, एसडीएम में बात की, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में बात की, मैंने आपको बताया था कपल के लिए बेसिकली क्या बनता है, डबल ट्रायंगल बनता है। क्लॉकवाइज कपल लग रहा है, इसका मतलब एक ट्रायंगल यहाँ पे हाफ के ऊपर बनेगा, जहां पे कपल लगता है उस पॉइंट से उसको कट कर दीजिए, कपल उस बीम को उस पर्टिकुलर पॉइंट से काट देता है, तो ये एक ऊपर ट्रायंगल बन गया और इसी पॉइंट से एक नीचे की तरफ आपका ट्रायंगल बन जाएगा, तो आप एक ये नीचे की तरफ ट्रायंगल बना लीजिए, राइट। अब ये जो ऊपर का ट्रायंगल बना है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो ये डाउनवर्ड लगा दीजिएगा, यहाँ पे एरोज बना दीजिएगा, और ये नीचे है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन देगा, तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एरोज बना दीजिएगा। ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया। अब अगर आप इसकी हाइट निकालना चाहते हैं तो इसकी हाइट कैसे निकालते हैं, एम ए बाय एल से। पहले इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, टीएमटी आप ओपन करिए, टीएमटी के लेक्चर सुनिए, वहां पे आपको बताया हुआ है।
एम ए बाय एल से इसकी हाइट निकलती है, तो एम ए बाय एल से आग निकालेंगे तो एम की वैल्यू कितनी है 20, ए की वैल्यू कितनी है, ए मतलब कितना है सेंटर पे, इसका मतलब 4 डिवाइड बाय एल कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 4 से 8 को कैंसिल कर दीजिए 2, 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10, तो यहां पे इसका हाइट जो होगी वो 10 होगी। इसी तरीके सेंटर है तो इसकी भी हाइट क्या होगी एम बी बाय एल से, बी यहां पे भी 4 है एल यहां पे भी 8 है, इसका मतलब इसकी भी जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 10 किलो न्यूटन मीटर के बराबर आएगी। तो आप फिर इसके बाद इसकी हाइट निकाल लीजिए, और हाइट निकालने के बाद आप क्या करिए, एक काम करिए इसका इधर ही पे सीजी भी निकाल लीजिए, क्योंकि बेसिकली यहां पे क्या होगा इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली। तो हम इसका सीजी अगर मैं निकालता हूं, जैसे मैं इस ट्रायंगल की सीजी की बात करूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से जहां से मैंने कट किया है, तो यहां से ये एंगल कितने का बन रहा है इस ट्रायंगल में 90 का, 90 का एंगल जहां से बनता है वहां से सीजी डिस्टेंस कितनी होती है ट्रायंगल की, बी बाय 3 पे होती है, राइट। तो इसका मतलब यहां से इसका जो ये सीजी होगा, इस सीजी की डिस्टेंस होगी क्या बी बाय 3, बी बाय 3 मतलब कितना, बी कितना है 4, तो 4 बाय 3 इसका सीजी होगा। ये पॉइंट क्या है, ये है इसका सीजी डिस्टेंस, सीजी कैसे निकाला, तो यहां पे अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहां पे होगा ये बी बाय 3, यहां पे जो बी है वो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का क्या है बेस है, इस ट्रायंगल का बेस, और वो बेस क्या है वो ये है, ये आपका बी है 4 मीटर। इसी तरीके से अगर मैं इस ट्रायंगल से इस पॉइंट से इसका निकालूं तो वो भी क्या होगा, वो भी यहां से होगा, यहां पे अगर इसका सीजी लाई कर रहा है, यहां पे सीजी इसका लाई कर रहा है, तो ये भी यहां से कितनी डिस्टेंस पे होगा, यहां से 4/3 पे होगा, ये भी कितना होगा 4/3 पे ही होगा। तो सबसे पहला काम होगा आपने एमएस डायग्राम बनाया, एमएस डायग्राम किसके वजह से बनाया, पहले कपल के लिए बना लिया, अब जैसे ही कपल के लिए बन गया आप अपन कंसेंट्रेटेड लोड के लिए बना लेते हैं सेपरेट करके। अब इसी तरीके से अपन इसमें कंसेंट्रेटेड लोड के लिए बनाएंगे, तो ये आपकी प्रेफरेंस लाइन हो गई, यहाँ पे डब्ल्यू एक्ट कर रहा है तो वो कहां पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक इस तरीके से पॉइंट लोड के लिए ट्रायंगल बन जाएगा। इसकी जो हाइट है वो हाइट हम कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू ए बी बाय एल से निकालते हैं, यहाँ पे जो हाइट निकालेंगे डब्ल्यू ए बी बाय एल से, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 64, ए की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, इसका मतलब ये हो जाएगा 64 इंटू ए की वैल्यू 2 मीटर इंटू बी की वैल्यू कितनी होगी रिमेनिंग 6 मीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एल, एल कितना है 8 मीटर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 96 किलो न्यूटन मीटर, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। और इसकी भी अगर मैं बात करता हूं तो ये भी बेसिकली कैसे डाउन करेगा, इस तरीके से इसमें एरोस बना दीजिएगा, बिकॉज जब मैं डाउनवर्ड अपवर्ड बोलूंगा तो उस चीज को समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू एरो आप उस चीज को समझ लीजिएगा, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। तो ये तो आपने बन गए कौन से एमएस डायग्राम, ये जो दोनों डायग्राम मैंने यहां पे बनाए हैं ये कौन से डायग्राम है एमएस डायग्राम, ये जो बना वो कपल के लिए बन गया, ये जो बन गया वो कंसेंट्रेटेड लोड के लिए बन गया, राइट। अब इसका भी अगर आपने जैसे इसका सीजी देखा, इसका भी आपको सीजी देखना है तो इसका भी आप सीजी देख लीजिएगा, तो यहां से अगर मैं इसका सीजी देखता हूं तो ये होता है मेरा ए प्लस एल बाय 3 पे, इस ट्रायंगल का सीजी, तो ए प्लस एल बाय 3 से अगर मैं इसका सीजी निकालता हूं तो ए इस पर्टिकुलर लोडिंग के लिए ए कितना है 2 मीटर प्लस इसका एल कितना है 8 डिवाइड बाय 3, मतलब इसका सीजी आएगा 10/3 मीटर, 10/3 मीटर पे, कहां से ए पॉइंट से इसका सीजी जो होगा वो 10/3 मीटर पे होगा, तो वो निकाल के अभी छोड़ दीजिएगा, उसका क्या यूज है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तो ये 10/3 पे होगा, राइट। अब मैं इसके बाद आगे गया, जैसे मेरा एमएस डायग्राम बन जाता है, एमएस डायग्राम मैंने आपने सारे बना दिए, उसके बाद फिर क्या करता हूं मैं एमआई डायग्राम बनाता हूं, तो यहां पे एमआई डायग्राम आप किस तरीके से बनाएंगे, तो सिंपल आपका जो मूवमेंट एट पॉइंट ए होता है, मूवमेंट एट पॉइंट बी होता है, उसके लिए बनाएंगे, तो उसकी बेसिकली हमें कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने इससे पहले भी केस नंबर फर्स्ट आपको बताया, केस नंबर टू भी मैंने आपको बताया, उसमें मैंने एमआई डायग्राम बनाया, एमआई डायग्राम को कहीं यूज किया गया नहीं किया, तो यहां पे हम उस एमआई डायग्राम को ना बना के सीधा हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट जंप करते हैं एनालॉगी कॉलम के ऊपर। तो यहां पे अब हम बनाएंगे एनालॉगी कॉलम, जो कि सिंपल एक रेक्टेंगल होता है, मैंने पहले भी बताया कि जब भी अगर आपको कोई बीम दिया है तो आपको सिर्फ एक रेक्टेंगल बना देना है और उसके अंदर लिख देना है एना लॉगीज कॉलम, एनालॉगीज कॉलम, राइट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसकी लेंथ जो होगी वो टोटल एल होगी, जो कि यहाँ पे 8 मीटर है, इसको अगर मैं कट करता हूं सेंटर से तो इसका सेंटर होगा यहां से 4 मीटर पे, और यहां से भी ये हो जाएगा 4 मीटर पे, राइट। तो ये मेरा बन गया एनालॉगी कॉलम।
यहां पे आपको एमआई डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हो उसी तरीके से, बट आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है उसका भी। यहां से ऐसे ही बनेगा सिंपल रेक्टेंगल टाइप का, यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा जा रहा है यहाँ पे कम जा रहा है, तो ऊपर नीचे होके सिंपल बनेगा, बट उसका कोई यूज नहीं है, तो इसलिए हमने उसको स्किप करके डायरेक्ट एनालॉगी कॉलम बना लिया। अब एनालॉगी कॉलम बनाने के बाद, एनालॉगी कॉलम सेक्शन बनाने के बाद, सीधा हम लोग जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर और हम इसकी प्रॉपर्टीज निकालें। और प्रॉपर्टी में हमें क्या क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ एनालॉगीज कॉलम सेक्शन। तो एनालॉगीज कॉलम सेक्शन का एरिया मतलब ए, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसका एरिया कितना होगा, तो इसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर, और इसकी थिकनेस जो हम लोग लेंगे यहां पे वो हम यूनिटी ले रहे हैं, यूनिटी मतलब 1, यूनिटी लेंगे 1। वो यूनिटी इसलिए ले रहे हैं कि नॉर्मली एनालॉगी कॉलम की थिकनेस 1/EI होती है, अगर कुछ डिफरेंट दिया उसकी वैल्यू तो बात होगी, बाकी एन आई 1/EI लेते हैं, 1/EI जो है वो आखिर में जाके कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम इसको यूनिटी मान के चलते हैं, तो हमने इसको यूनिटी 1 मान लिया। तो अब इसको 1 माना तो इसका मतलब इसकी लेंथ हो गई कितना 8 मीटर, और इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी हो जाएगी 1 यूनिटी के हिसाब से, तो ये एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 यूनिट। और यहां पे इसमें एरिया है इसका मतलब इसको एमएम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर आपको नहीं लिखना, बिकॉज यहां पे हम जो काम कर रहे हैं जैसे टीएमटी में होता था कि हम यहां पे किसी चीजों को बोल कुछ और रहे हैं और हमारा जो कैलकुलेशन होके आ रहा है वैल्यू यूनिट के साथ वो कुछ और आ रही है, जब ऐसा मिसमैच होता है कि आप उसको बोल रहे हैं लोड लेकिन उसकी यूनिट कुछ और आ रही है, या आप उसको बोल रहे हैं मूवमेंट बट उसकी यूनिट कुछ और आ रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे सिर्फ यूनिट्स लिखते थे उसको। आप एरिया है तो ऐसा नहीं है कि आप एमएम स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखे, राइट। अब इसी तरीके से मैं आगे जाता हूं, जैसे ही मेरे को एरिया मिल जाएगा इसका, अब मेरे को और क्या चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आप मेरे को, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपको सेंट्रिक कंडीशन दिखेगी तो जो स्ट्रेस का फॉर्मूला आप लोग लगाते हैं, स्ट्रेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला तो P/A होता है, जब आपका सेंटर पे लोड हो जिसके वजह से आपकी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो वो यूनिफॉर्म हो रहा हो। बट अभी के केस में भी, लास्ट केस में भी क्या होता है, सेंट्रिक पॉइंट लोड था, और अभी के केस में भी एक यहाँ पे सेंट्रिक पॉइंट लोड है, बीच में कपल भी लगा, इसका मतलब इसमें जो स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगी क्या वो यूनिफॉर्म होंगी, पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बेंच है उसके सेंटर पे मैं खड़ा होऊंगा तो दोनों तरफ मेरी रिएक्शन बराबर जाएगी, इसका मतलब स्ट्रेसेस क्या होंगी, यूनिफॉर्म आएंगी। बट अगर मैं सेंटर से थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता हूं तो उस कंडीशन में क्या होगी, यहाँ की लोड कंडीशन अलग हो जाएगी, वहां की अलग हो जाएगी, तो वो यूनिफॉर्म नहीं बचेगा। तो जब वो यूनिफॉर्म नहीं बचता तो उस कंडीशन में यहाँ पे स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, P/A ± फिर PEx/I की कंडीशन और एड हो जाती है, मतलब मूवमेंट की वजह से आपको और स्ट्रेसेस इसमें ऐड करने पड़ते हैं। पीई से क्या बनता है, मूवमेंट बनता है। इसका मतलब इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, तो मेरे को एक एरिया चाहिए था जो कि मैंने निकाल लिया, मुझे लोड चाहिए, अब मैं इसके बाद लोड निकाल लेता हूं, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, पी मतलब वो भी लोड हो जाएगा, ई मतलब क्या हो जाएगी, सेंट्रिसिटी हो जाएगी, और इसके बाद एक्स क्या हो जाएगा वो मैंने आपको बता दिया था, वो सीधा हाफ ले लेते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, सीधा आई मेरे लिए सिंपल है, पहले मैं आई निकाल लेता हूँ, आई मतलब क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, मतलब मैं एम आई निकाल लेता हूँ, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, एम आई मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द एनालॉगी कॉलम ऑफ द एनालॉगीज कॉलम, ठीक। तो आई हो जाएगा क्या होगा, तो सिंपल एनालॉगी कॉलम आपको क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का आई क्या होता है, BD³/12 लगाते हैं तो वही लगेगा, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा, बी मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कट रहा है कितना 8, तो 8 का क्यूब कर दीजिएगा, डिवाइड बाय 12 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका जो आई होगा वो आई आप जब इसको सॉल्व करेंगे 1 × 8³ डिवाइड बाय 12 करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 128, ये आएगा सॉल्व होके 128/ कितना हो जाएगा 3, और इसको भी क्या लिखेंगे, यूनिट्स, क्योंकि इसकी भी यूनिट आप प्रॉपर यहां लिखेंगे नहीं, बिकॉज हम इसका जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कुछ और तरीके से कर रहे हैं, तो यूनिट्स ही यहाँ पे लिखा आएगा, तो यहाँ लिख देंगे यूनिट्स। इस तरीके से 128/3 आप करेंगे तो ये यूनिट्स आ जाएगा। अब जैसे ही आपका आई निकल गया, मतलब आपका जो ए था वो ए मैं निकाल चुका हूं, मैं आई निकाल चुका हूं, अब मुझे मेनली क्या निकालना है, मुझे पी निकालना है और इसकी सेंट्रिसिटी निकालना। तो अब पी जो निकालेंगे, बेसिकली यहाँ पे आप लोड डायग्राम अगर देखें तो हमारा कोई एक लोड डायग्राम नहीं है, इससे पहले जो केसेस हमने डिस्कस किया उसमें सिंगल एक लोड डायग्राम होता था, सीधा पी में निकाल देता वॉल्यूम बोल के और उसको निकाल देता, बट यहाँ पे अब लोड डायग्राम क्या है, एक लोड डायग्राम ये ऊपर की तरफ बन रहा है, एक लोड डायग्राम ये नीचे की तरफ बन रहा है, तीसरा लोड डायग्राम ये भी बन रहा है, मतलब कितने लोड डायग्राम है यहाँ पे, 3, इसका मतलब मुझे तीनों के लोड को सेपरेट निकालना पड़ेगा,
और फिर क्या करना पड़ेगा, उसका टोटल करना पड़ेगा। तो अब हम लोग जो निकालेंगे वो लोड निकालेंगे एनालॉगी कॉलम से। अब लोड निकालेंगे तो सबसे पहले लोड कैलकुलेशन में हम फर्स्ट पॉइंट पे अगर जैसे जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं डाउनवर्ड लोड, डाउनवर्ड लोड निकाल लेते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ लोड्स है तो इसको मैं एन वन बोलने वाला हूं, राइट। अब डाउनवर्ड लोड मेरे को अगर सबसे पहले निकालना है एनालॉगी कॉलम का, तो लोडिंग डायग्राम का, तो उस डाउनवर्ड लोड को मैं कौन सा देखूंगा, तो सबसे पहले डायग्राम से अपन चलते हैं। सबसे पहले डायग्राम में कौन सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये एरो मैंने इसलिए यहाँ पे लगाए थे जिससे आप समझ सकें कि मैं डाउनवर्ड लोड बोलूंगा मतलब जो एरो नीचे जा रहे हैं उनको डाउनवर्ड बोल रहा हूं, और जो एरो ऊपर की तरफ आ रहे हैं मतलब वो अपवर्ड लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब सबसे पहले मैं ये वाला निकालूंगा, ये पहला डायग्राम है तो इसका निकालूंगा। तो इतने डायग्राम को बस आप देखिए, ये आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका ट्रायंगल। इसका मतलब आप सिंपल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए, और वो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस। इसका बेस कितना है, इस ट्रायंगल के बस बेस की बात करिएगा इतना देख रहे हैं, तो इसका बेस कितना है, ये है 4, तो आप यहां लिखेंगे 4 इनटू हाइट। इसकी हाइट देख लीजिए, तो इसकी हाइट आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी 10, तो यहां पे हाइट ले लीजिएगा 10। और बेसिकली जो यहां पे लोड होता है एनालॉगी कॉलम का, जो लोड डायग्राम से हम निकालते हैं, वो कितना होता है, वो वॉल्यूम के बराबर होता है, वो वॉल्यूम के बराबर होता है। और वॉल्यूम मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि लोड डायग्राम का आप एरिया ले लीजिए इनटू थिकनेस कर दीजिए, कैसे, एनालॉगी कॉलम की थिकनेस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एनालॉगी कॉलम की थिकनेस कितनी है, 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से आपका N1 लोड निकल के आएगा, N1, और N1 कितना आएगा, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, तो इसको ले लीजिएगा प्लस 20 यूनिट्स। यहाँ पे भी हम यूनिट्स लिखेंगे, न्यूटन या किलो न्यूटन ये सब नहीं लिखेंगे। और प्लस इसी की सेंट्रिसिटी को हम क्या बोलेंगे, E1, इसके लिए सेंट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे अगर लोड डिफरेंट निकल रहा है, जैसे वहां पे लोड आपका एक निकल रहा था तो सेंट्रिसिटी भी एक ही निकल रही थी, बट यहाँ पे लोड अलग अलग निकल रहे हैं तो इनकी सबकी सेंट्रिसिटी भी सेंटर से क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे अगर मैं इस लोड डायग्राम की बात करूं तो जब मैं इस बीम का सेक्शन काटूंगा सेंटर से, तो जो बीम का सेंटर होगा उससे इस लोड डायग्राम की जो सीजी का डिफरेंस होगा वो इसकी सेंट्रिसिटी होगी, जो इसका डिफरेंस होगा वो इसकी सेंट्रिसिटी होगी, और जो इसका डिफरेंस होगा वो इसकी सेंट्रिसिटी होगी, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी सेंट्रिसिटी की बात करता हूं तो इसकी सेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, तो मैं यहां से देख सकता हूं कि यहां पे ये जो कपल लग रहा है ये कहां पे लग रहा है, इसके सेंटर पे लग रहा है, कहां पे लग रहा है, इसके सेंटर पे लग रहा है। सेंटर मतलब ये लाइन जा रही है, राइट। तो इसका मतलब यहां इस सेंटर से ये जो होगी वो इसकी सेंट्रिसिटी होगी। कैसे होगी भाई, यहां ये सेंटर लाइन जा रही है मतलब ये कितने पे आ गई, 4 पे। अब यहां से इसका सीजी देख लीजिए, तो यहां से इसका सीजी कितना आएगा, 2b/3 आएगा। तो 2b/3 माइनस कर दीजिए काय में से, 4 में से, ये 4 सेंटर है तो 4 में से क्या करिए, 2b/3 से इसका सीजी माइनस करिए, तो ये डिस्टेंस आएगी, और ये डिस्टेंस क्या होगी, ये b/3 के बराबर ही तो होगी। तो आप डायरेक्टली इसको यहां से b/3 के लिए मैंने इसलिए निकाले, तो ये इसका क्या होगा, E होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, E1। तो E1 हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, सेंटर से सीजी निकला था, तो E1 कितना हो जाएगा, 4/3 meter। यहां पे जरूर आपका ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं, तो आप इस मीटर में लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं सेकंड पे जाता हूं, सेकंड, और इसी डायग्राम, इसी में सेकंड वाला डायग्राम, ये एरो कहां की तरफ जा रहे हैं, ऊपर, मतलब कौन सी लोडिंग होगी, ये अपवर्ड लोडिंग, अपवर्ड लोडिंग होगी, अपवर्ड लोडिंग होगी, अपवर्ड लोड लिख लीजिए आप। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, N2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये N2 हो जाएगा। अब इसको भी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो इसमें भी वही लोड इक्वल क्या होता है, यहाँ पे भी वॉल्यूम, तो इसका पहले आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए, वॉल्यूम क्या, पहले इसका एरिया ले लीजिए, ये भी तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, उसी का बेस तो वो 4 ही रहेगा, इंटू उसी की हाइट तो ये भी 10 रहेगी, इंटू थिकनेस ऑफ दी एनालॉगी कॉलम जो कि 1 है, हमने यूनिटी लिए। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आपका N2 निकल के आ रहा है ये भी कितना आ रहा है, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, 2 इंटू 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20, इसका मतलब ये 20 आ रहा है। लेकिन ये जो 20 जब आएगा इसको काय में लेना है, माइनस में, इसको आपको लेना है माइनस में, यूनिट्स माइनस में लेना है N2। अब माइनस में क्यों लेना है, सिंपल सी बात है कि अगर एक कोई डाउनवर्ड लोड जा रहा है और एक अपवर्ड आ रहा है तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो अगर नीचे वाले जाने को मैं प्लस बोल रहा हूं तो ऊपर आने वाले को मैं क्या बोलूंगा, माइनस ही तो बोलूंगा, इसलिए मैंने इसको क्या में लिया, माइनस में, राइट, क्योंकि वो डायग्राम क्या बना है, नीचे। जब TMT भी करते थे तो हम इसका एरिया अगर पॉजिटिव लेते थे तो इसको क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे, वहां पे भी हम इसी तरीके से यूज करते थे, बिकॉज जो बैंडिंग है वो अलग अलग आ रही है, तो जिससे टेंशन की कंडीशन क्या होगी, अलग हो जाएगी, तो आप इसको नेगेटिव लेंगे। अब इसी का सीजी अगर देखें तो इसके सीजी को हम E2 से रिप्रेजेंट करेंगे,
अब इसका भी सीजी क्या होगा, इसका भी सीजी यहां से निकल जाएगा, ये सेक्शन आपका सेंटर है, सेंटर से इसका सीजी डिस्टेंस, तो सेंटर से इसका सीजी कितना होगा, तो यहां से इसका सीजी होता है जहां से 90 का एंगल बनता है बी बाय थ्री, और बी बाय थ्री से हमने इसका भी सीजी निकाला था वो कितना होगा 4/3, तो जैसे इसका होगा वैसे इसका होगा क्योंकि आपका जो कपल है वो सेंटर पे, इसका मतलब इसका भी जो सीजी होगा वो कितने पे होगा 4/3 मीटर पे होगा, ये आपका हो गया ए। अब इसके बाद जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे थर्ड लोड जो कि बनेगा लास्ट वाले डायग्राम से। नाउ थर्ड पॉइंट डाउनवर्ड लोड मींस N3। अब वो N3 किसके वजह से आएगा, सो फर्स्ट हम लोगों ने इस डायग्राम के लिए निकाला वो N1 हो गया, इसके लिए निकाला वो N2 हो गया, इसका सीजी इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखा वो E1 हो गया, इसका सीजी इस पॉइंट से देखा वो E2 हो गया, जो कि भी 4/3 था बिकॉज सेंटर से था। अब हम थर्ड की बात कर रहे हैं मतलब इस डायग्राम की, तो अब मुझे इसका लोड निकालना है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट मीन मैं इसको बोलूंगा डाउनवर्ड लोड N3। ठीक, अब इसको कैसे निकालना है, तो इसके लिए भी लोड जो हम वॉल्यूम के बराबर मानते हैं, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम लूं तो पहले इसका एरिया ले लेता हूं, तो ये भी ट्रायंगल है मतलब ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस, बेस मतलब इसका बेस, इस पूरे ट्रायंगल का बेस, क्योंकि ये पॉइंट लोड की वजह से ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 8 मीटर, ये पूरा कितना है 8 मीटर, इसका मतलब ये बेस हो जाएगा 8 मीटर इनटू इसकी हाइट, और इसकी हाइट मैंने कितनी निकाली थी WAB/L से निकाली थी जो कि कितनी आई थी 96, तो हाइट लूंगा 96 इनटू थिकनेस ऑफ दी एनालॉगी कॉलम, थिकनेस कितनी थी 1 ली थी हमने, यूनिटी के बराबर मानी है, तो इसको अगर मैं 1 लेता हूं और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये पूरा सॉल्व होके आएगा 384 यूनिट्स, राइट, ये आ गया थर्ड मतलब N3 की वैल्यू है। अब इसी तरीके से मुझे इसकी सेंट्रिसिटी भी चाहिए रही, तो इसकी भी सेंट्रिसिटी जो होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E3 से, और इसकी सेंट्रिसिटी कितनी होगी, तो इसकी सेंट्रिसिटी अब हमें फिर निकालनी पड़ेगी, तो इसकी क्या होगी, यहां से जो इसका सीजी है जब भी कंसेंट्रेटेड लोड लगता है और सेंटर पे नहीं होता ए बी डिस्टेंस पे होता है, तो ए पॉइंट से मतलब लेफ्ट एंड से सीजी जो मिलता है वो A+L/3 पे मिलता है, और राइट एंड से मतलब बी पॉइंट से जो सीजी मिलता है वो B+L/3 पे मिलता है, तो अभी मेरे को सबसे पहले यहां से देखना है, तो ये कितने पे मिलेगा A+L/3 पे, तो A की वैल्यू कितनी है इस लोड के लिए 2, B कितना है रिमेनिंग A+L है, सॉरी L है तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3, तो 3, तो ये कितना आया था 10/3, तो इस यहां से इसका सीजी 10/3 है, और जो आपका सेंटर होगा सेक्शन का मतलब बीम का सेंटर वो कितने पे होगा, वो होगा आपका कितने पे L/2 पे, और L/2 मतलब 8/2 पे, 8/2 मतलब कितना 4 पे, तो जो E होगा E3 वो E3 कैसे निकलेगा, तो वो E3 यहां पे निकलेगा, E3 को निकालने के लिए आप क्या करिए, आप करिए सबसे पहले आपने जो CG निकाला है 10/3 इसमें से माइनस कर दीजिए L/2, L/2 मतलब 8/2 को मींस 4, तो E3 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 का LCM ले लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 कैंसिल होगा, और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3 मीटर E3, 2/3 कैसे, 3 और 2 का LCM कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 करिए 6 को 3 से कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 10 मल्टीप्लाई होगा तो कितना 20 हो जाएगा, फिर 2 से 6 को कैंसिल करिए 3 इंटू 8 कर दीजिएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस होगा इसमें से 20 में से और डिवाइड बाय 6 होगा, तो उसमें से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब आपके पास जो आएगा वो 2/3 मीटर सॉल्व होके आता है, कितना आएगा वो 2/3 आ जाएगा, 4 में से 10/3 कर दीजिएगा, तो यह बात बराबर ही है, 10/3 में से 4 कर दीजिए माइनस में आएगा, बट डिस्टेंस जो होती है वो आपकी प्लस में होती है, राइट, तो ये आपका इस तरीके से E3 आ जाएगा, और E3 को अगर मैं पोजीशन दूं तो कैसे दूंगा, सबसे पहले आप क्या करिए, ये बीम का जैसे सेक्शन है ना, ये सेक्शन काटिए, तो ये सेंटर से जाएगा, इसका मतलब सेंटर क्या है इसका ये, बट इसका सीजी कौन सा है, ये है, यहां से यहां तक आ रहा है, ये सीजी मान लीजिए, तो ये जो सीजी से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है ना, ये ही आपका ई होता है, यहाँ पे ये E3 होगा, ये डिस्टेंस, इसको मैं E3 बोलता हूँ, E3 मतलब आपका सेंटर ये जा रहा है, बट आपके सेक्शन का जो सीजी आ रहा है लोड डायग्राम का सीजी वही आ रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना वही आपका इसेंट्रिसिटी होती है, तो यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी आएगी वो कितनी आएगी 2/3 मीटर आएगी। अब इसके बाद में आगे अगर मैं जाता हूं तो आगे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो इसमें अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे सारे लोड निकल चुके हैं, मेरा N1 निकल चुका है, मेरा N2 निकल चुका है, N3 भी निकल चुका हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं टोटल लोड निकालू, तो नाउ नेट डाउनवर्ड लोड निकाल लेते हैं अपन सबसे पहले,
नेट लोड निकाल लेते हैं, तो नेट लोड, नेट लोड या नेट डाउनवर्ड लोड जो भी आपको बोलना है, इसको आप चाहे तो एन बोल सकते हैं, बिकॉज आपने फर्स्ट को एन वन बोला, सेकंड को एन टू बोला, थर्ड को एन थ्री बोला, आप इसको एन बोल लीजिए। तो एन क्या हो जाएगा, एन इक्वल हो जाएगा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, राइट। तो एन वन, एन वन आपने कितना निकाला था, पहले आपने निकाला था प्लस 20, फिर एन टू कितना निकाला था, वो निकाला था माइनस 20, प्लस एन थ्री कितना निकाला, तो एन थ्री आपने पीछे से निकाला था 384। तो आप इसको टोटल कर दीजिए, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 384 यूनिट्स, 384 यूनिट्स। और ये क्या है आपका, एन है, ये आपका नेट लोड, बचा हुआ लोड आपने क्या किया, जो डाउनवर्ड लोड जा रहे थे उसमें से अपवर्ड वाले लोड को माइनस कर दिया, तो आपके पास नेट लोड आ गया। अब जैसे ही आपके पास नेट लोड आ गया, इसका मतलब ये पी की वैल्यू आपको मिल गई, ये आपको क्या मिल गया, पी मिल गया, एक तरीके से यहां पे आपको पी मिल गया। अब लेकिन मुझे पी ई भी निकालना है, मतलब मुझे नेट मूवमेंट भी निकालना है, तो वहां पे मैं निकालूंगा अगर सीधा फॉर्मूले में जाके, जो मेरा मेन फॉर्मूला है स्ट्रेस वाला, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं ना, मेनली मेरा वर्क क्या है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, क्या कि पी बाई ए प्लस माइनस पी ई एक्स डिवाइड बाय आई होता है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं पूरा पूरा, कॉलम एनालॉजी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, पूरा इस पे काम करो, तो आपका बस टारगेट होगा कि आपको क्या करना है, आपको पता होगा किसके बाद आपको क्या करना है। तो मैंने ए निकाल लिया था पहले, मैंने आई इसका निकाल लिया था पहले, मैंने पी अभी निकाल लिया, ये मेरे को लोड मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, ई भी मैंने निकाला हुआ है, पी ई भी चाहिए। अगर मैं पी की वैल्यू इस फॉर्मूले में यहां आके पुट करूंगा ना, तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक पी नहीं है, मेरे पास नंबर ऑफ पी है, और इसेंट्रिसिटी एक नहीं है, मेरे पास नंबर ऑफ इसेंट्रिसिटी है। मैं इस पी से सीधा ई को नहीं मल्टीप्लाई कर सकता, क्योंकि अगर मैं ये फाइनल वाला पी लूं और इसेंट्रिसिटी मल्टीप्लाई करूं, तो किसकी करूं, इसकी करूं, इसकी करूं या इसकी करूं, तो मुझे वो अलग अलग लेना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन मेरा बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे सीधा नेट मूवमेंट निकाल लेता हूं। तो नेट मूवमेंट कैसे निकालूंगा, मतलब पी ई की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मैं सीधा निकालूंगा इसके बाद नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट, और नेट मूवमेंट मतलब जिस जहां पे मैं पी ई की जगह पे ये वैल्यू पुट करूंगा, किसकी जगह पे पुट करूंगा इस वैल्यू को, पी ई की जगह पे, यहां कितने की जगह पे पुट कर, तो नेट मूवमेंट सीधा निकाल रहा हूं। तो नेट मूवमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पे, तो नेट मूवमेंट के लिए आपकी कंडीशन बनेगी माइनस एन वन ई वन, फिर माइनस एन टू ई टू प्लस एन थ्री ई थ्री, ये आपकी कंडीशन बनेगी नेट मूवमेंट कैलकुलेट करने की। नेट मूवमेंट के लिए आपने क्या किया, नेट मूवमेंट आपने निकाला था, तो आपने क्या किया, माइनस कर दिया, सबसे पहले माइनस क्या क्या कर दिया, तो यहां पे आपका ये अपवर्ड जो जा रहा है वो तो माइनस लिया, और जो डाउनवर्ड जा रहा था वो ऑलरेडी माइनस में निकला था, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस। अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूं, तो ये वैल्यू पुट करता हूं, तो यहां पे नेट मूवमेंट हो जाएगा, ये फॉर्मूला मैं बाद में यूज करूंगा, यहां पे नेट मूवमेंट हो जाएगा, नेट मूवमेंट वो कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस 20 इंटू 4/3, फिर माइनस एन टू की वैल्यू भी थी 20 इंटू इसका भी सीजी था 4/3, फिर प्लस एन थ्री की वैल्यू थी 384 इंटू इसका सीजी था 2/3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो इस पूरे को सॉल्व करके ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 608 डिवाइड बाय 3 इक्वल, इसको 3 से भी डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 202.67, इसको भी यूनिट्स के फॉर्म में लिख दीजिएगा। तो ये आपके पास निकल के आ गया, क्या आ गया, नेट मूवमेंट, मतलब पीई की वैल्यू। अब जैसे पीई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो अब क्या करिए, अब सीधी कंडीशन लगाइए इस फॉर्मूले में, इसका मतलब सीधा लिखेंगे स्ट्रेस एट ए, स्ट्रेस एट ए निकाल लीजिए। तो स्ट्रेस एट ए मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम आई ए से, इक्वल हो जाएगा पी बाय ए, राइट, प्लस में हम पहले यूज कर लेते हैं पी ई एक्स डिवाइड बाय आई, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो पी की वैल्यू आपके पास जो निकली थी वो निकली थी 384 डिवाइडेड बाय ए, ए आपने पीछे ही निकाल लिया था जो कि आया था 8, प्लस फिर पीई, पीई मतलब मैंने आपको नेट मूवमेंट पूरा बता दिया जो कि आया 202.67,
6.67, तो सीधा पुट करेंगे 202.67। उसके बाद चाहिए आपको x, x मतलब क्या होता है l by 2, जो आपका ये पूरा बीम होता है उसका सेंटर, मतलब वो हो जाएगा l by 2, या आपका जो एनालॉगी कॉलम होता है उसका सेंटर, तो वो हो जाएगा कितना l by 2, l by 2 मतलब कितना हो जाएगा 4, बिकॉज 8 है टोटल, तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाय आई, आई भी मैंने आपको पीछे निकाल के बता दिया था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आया था 128/3 अप्रॉक्स आया था, डिवाइड करेंगे 3 से तो वो हो जाएगा 42.67। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से मेरे को एम आई ए मिल जाएगा, एम आई ए जो आ रहा है वो आ रहा है 67 किलो न्यूटन मीटर, ये मूवमेंट एट पॉइंट ए आ रहा है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट पॉइंट ए। इसी तरीके से अब मैं अगर बी की कंडीशन की बात करूं, स्ट्रेस एट पॉइंट बी, स्ट्रेस एट पॉइंट बी मतलब बी पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो वहां पे हम लोग निकालेंगे एम आई बी, तो एम आई बी कितना हो जाएगा, वापस से वही फॉर्मूला, लेकिन अब इस फॉर्मूले को मैं किसके साथ में यूज करूंगा, माइनस के साथ में, तो मतलब 384 डिवाइड बाय 8 माइनस 202.67 डिवाइड बाय 42.67 इनटू 4। इसको सॉल्व करता हूं, जब पूरे को सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ रहा है 29 किलो न्यूटन मीटर के बराबर, बी पॉइंट का मोमेंट जो मेरे पास आएगा वो 29 किलो न्यूटन मीटर है। अब इसी से कन्वर्ट करके अगर मैं फाइनल एंड मोमेंट्स फाइंड आउट करता हूं, एंड मोमेंट एट पॉइंट ए निकालता हूं, अगर मैं एंड मोमेंट एट पॉइंट ए निकालता हूं, मतलब जिसको मैं एम ए से रिप्रेजेंट करता हूं, एम ए निकाला हूं फाइनल, तो एम ए को मैं कैसे निकाल सकता हूं, एम एस ए माइनस एम आई ए, सो एम एस ए नॉर्मली यहां पे जीरो है, माइनस एम आई ए आपने निकाला है, कितना आएगा वो 67, इसका मतलब यहां पे ए पॉइंट पे मूवमेंट आएगा माइनस 67 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। इसी तरीके से एम बी भी आप निकाल सकते हैं, मूवमेंट एट पॉइंट बी एंड मूवमेंट बी, तो एम बी वो क्या हो जाएगा एम एस बी माइनस एम आई बी, तो एम एस बी तो जीरो रहेगा, मैम एम आई बी हो जाएगा, एम आई बी आपका कितना निकला है अभी 29, तो ये 29, तो ये आ जाएगा माइनस 29 किलो न्यूटन मीटर। बट ये याद रखिएगा कि ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स हैं, ये कौन से मूवमेंट है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट, मतलब ए पॉइंट पे हमेशा इनको माइनस में लिया जाता है एंटी क्लॉक, और बी पॉइंट पे इनको क्या लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे आ रहे हैं माइनस के साथ में, बट कंसीडर इनको इन साइन के साथ में किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूज है, जैसे ये नंबर्स में वैल्यू आई है, इससे पहले फॉर्मूले थे कि पॉइंट लोड सेंटर पे तो डब्ल्यू एल बाई एट आएगा, तो आपको पता था कि डब्ल्यू एल बाई एट ही आएगा, तो आपका चेक हो गया था लास्ट में डब्ल्यू एल बाई एट आ रहा था, अगर पॉइंट लोड इसेंट्रिक था तो आपको पता था कि ये पॉइंट पे डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आएगा, तो वो आपको पहले से पता था, तो चेक हो गया था कि डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि आपकी ये वैल्यू 67 सही है कि नहीं और 29 सही है कि नहीं। और उसको चेक करने के लिए क्या करिए, आपका फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाले ना, ये तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट हम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो अगर मैं फॉर्मूला लगा के इसको चेक करना चाहूं तो मैं वैसे भी चेक कर सकता हूं। कैसे चेक कर सकता हूं, मैं फॉर्मूला लगा दूं यहां पे, जैसे मेरे को ए पॉइंट का फाइनल मूवमेंट निकालना है एम ए, तो सबसे पहले ये इस पॉइंट लोड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, राइट, इसका फॉर्मूला प्लस यहां पे कपल और लगा है, तो प्लस कपल का फॉर्मूला क्या होता है एम बाय फोर, जब कपल सेंटर पे होता है तो फॉर्मूला होता है एम बाय फोर, इसमें आप वैल्यू पुट करिए, आपकी एम ए की जो वैल्यू आएगी ना वो 67 ही आएगी माइनस में, और फिर इसी तरीके से फॉर्मूला लगा दीजिए बी के लिए, एम बी के लिए, तो एम बी में क्या हो जाएगा, एम बी के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर और प्लस एम बाय फोर, क्योंकि जो सेंटर में कपल होता है वो एम बाय फोर होता है, चाहे ए से देखो चाहे बी से देखो, जब इसमें वैल्यू पुट करोगे ना तो आपके पास जो वैल्यू आएगी प्लस में 29 आएगी, तो वो आप चेकआउट भी यहां से कर सकते हैं कि आपके जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट यहां निकले हैं वो सही हैं कि गलत है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बेसिकली हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है वो यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ये कंडीशन है तो आपको ये पूरा सॉल्व करके देना पड़ेगा, बट आपके पास ये एक बेनिफिट है कि लास्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही हैं कि गलत है, तो इस तरीके से आप उनको चेक कर सकते हैं, ठीक। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, थैंक यू सो मच।